फाइनली जैसे कि हमने आपका दिन बताया, आज क्या हुआ मैं बता दूँ। सबसे पहले मॉर्निंग में मेरे एनाटॉमी का आज प्रैक्टिकल था, काफ़ी सही गया। उसके बाद में हम सब थे श्री के फ्लैट पे हमेशा की तरह, वहाँ पर थोड़ा बहुत फ़न किया। फिर हमारे एक और फ्रेंड हसन से मिलाया मैंने आपको, और उसके बाद अभी जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये रूम काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है। द रीज़न इज आई एम लिविंग दिस फ्लैट, ये फ्लैट छोड़ रहा हूँ, और मेरा नया फ्लैट तो पता नहीं कब मैं लूँगा। जब लेंगे तब देख लेंगे, जब तक तो मैं श्री के फ्लैट पे शिफ्टेड हूँ। सो अब मैं उनका अतिथि हूँ, देखते वो अपने अतिथि को किस तरह रखते हैं। सो गाइस 3 महीने यहाँ पे मैंने गुजारे, और 3 महीने रोलर कोस्टर राइड की तरह थे। 3 महीने मैंने जिस तरह से यहाँ पर मस्तियाँ की, मज़े किए, होगा न्यू फ्लैट पे जाएंगे वहाँ पे भी और मस्तियाँ करेंगे, मज़े करेंगे। एंड इट्स ऑलवेज हाउ यू सी द लाइफ, द थॉट पर्सपेक्टिव। मेरा सामान शिफ्ट हो चुका है, ये सारी किताबें और खाने का सामान, केटल, स्टेथोस्कोप एंड पानी का ये जो होता है, मेरा गिटार, मेरा फेवरेट गिटार। उसके बाद में ये बाल्टी के अंदर जितने बाथरूम के सोप्स थे वो, और ये प्लेटफॉर्म पूरी साफ़ हो चुकी है। और इसके अलावा तो गाइज अमित और राजेंद्र आ गए मेरी हेल्प करने के लिए। इससे पहले तनुष और पराशर आए थे। सॉरी गाइज, इन लोगों ने बढ़ते हुए यूट्यूबर की पहचान नहीं कर पाए, और ये तो डाल देता इनमें से। गाइज ये दिखाता है कि मैं कितना सीरियस हूँ पढ़ाई के लिए। अनबॉक्सिंग ऑफ दी बीडी चौरसिया। और अगर आपको ये बीडी चौरसिया की पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करें और यूट्यूब सब्सक्राइब करें। बाकी अमित सर को बहुत अच्छी आती बीडीसी, तो आपको पढ़ाएंगे, ये आपके सस्ते डॉक्टर है। ये आप देख सकते हैं अमित सर कितने प्यार की नज़रों से देख रहे हैं राजेंद्र सर को। और हमारे एक और सर है फ्रॉम बिहार, वो भी आना चाहते हैं हमारे ब्लॉग्स में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो जैसे कि आपको पता है, फाइनली आई हैव गॉट माय रूम बैक। और ये मेरा रूम है, और इस रूम का सिस्टम इस तरह है कि ये पूरा एक रूम है, और इस रूम के जैसे ही एटलीस्ट 5 रूम है यहाँ पे। सो मैं, बीएम, मनीष और गौतम, ये सारे मेरे बैचमेट्स हैं, जैसे कि आपको पता है। हम लोग यहाँ पे साथ में रहेंगे, फिलहाल हम साफ़ सफाई कर रहे हैं, आप देख सकते। ये साफ़ सफाई चल रही है यहाँ पे, विंडोज़ धोनी है और नीचे का धोना है, और इस बालकनी को साफ़ करना है। इसके अलावा सब कुछ हो चुका है। इसके अलावा यहाँ से मैं जस्ट नेक्स्ट रूम में जाऊँगा, तो ये रवि का रूम। सो इसकी साफ़ सफाई तो क्या, इसका बहुत कुछ होने बाकी है। इसमें ये सारी अलमारी जिसको सामान रखने जमान है। अगर रवि के सामान देखूँ मैं तो, खाने का ये कम रखता है बंदा, बट किताबें, माय गॉड, जैसा आपको देखना पड़ेगा बंदा, आई थिंक हमारे ग्रुप का रीडर ही है। तो मैं तो नाम भी नहीं सुने इन किताबों के, जो किताबें जो भी रखता है। ये देखिए माय गीता, तो शायद भगवद गीता, श्रीमद भगवद गीता के बारे में रखा हुआ है, ड्यून मानना पड़ेगा, भगवान जी की मूर्ति है। फिर उसके रूम की बालकनी ये है, हमारे रूम से ये आता है लुक। ये है रूम नंबर 3, ये रूम है मनीष का। मनीष ने सारा सामान इन अलमारी में रख चुका है, मैं आपको दिखाऊं, तो देखो सब कुछ रख चुका है वो। और चलिए हम मिलते हैं मनीष से। सबसे ज़्यादा खतरनाक फॉर्म में सफाई वही कर रहे हैं। ये मनीष की है गैलरी, मनीष फॉर्म में
मनीष क्या कहना है नए रूम में आने का? बाद में बनाना यार अभी। ये इधर साफ सफाई हो रही है मनीष भाई की, करने दो। मेरा ही रूम बाकी है साफ करना, बाकी सब लगभग कर चुके हैं। फिर यहाँ से मैसेज आऊँगा, एक और रूम है, और ये बी एम भाई भी साफ सफाई कर रहा है। क्या हुआ? कर दी। क्या कहना है बी एम भाई, हम इधर शिफ्ट हुए, मज़ा आएगा? कुछ कहिए। आएगा मज़ा। ये बी एम भाई का रूम है। ये है लॉक लगा दो। सॉरी, ये वाला है, इसके भी लाल लॉक है, ये शाम तक खुल जाएगा। बी एम भाई साफ सफाई करते हो, कैसा लग रहा है? प्लीज़ एक ब्लॉगर को बताइए, एक ब्लॉगर जानना चाहता है, बता भी दो, कह भी दो। बहुत बेकार लग रहा है। क्यों? तो कहाँ पे? हम सब काम तो कर रहे हैं। तू तो ब्लॉग बना रहा है। अरे मैं तो कब से काम कर रहा था, अभी ब्लॉग पे आया हूँ। ये एक और रूम है, यहाँ गौतम रहता है। सो गाइज अपने अपने कमरे साफ करने के बाद हम लोग आ गए हैं छत पे। ये माय फ्लैट की छत है, और ये सामने जो दिख रहा है वो है हमारा मेडिसिन डिपार्टमेंट कॉलेज का। उधर आपको दिख रही है, ये जो सामने दिख रही है वो है डेंटल कॉलेज का हॉस्टल, मतलब डेंटल के स्टूडेंट्स का हॉस्टल। उसके पास में जो है वो है मेडिकल स्टूडेंट्स, मतलब MBBS वालों का। और फिर वो है हमारे कॉलेज की बिल्डिंग, और उसके बाद लेट्स गेट बैक टू R1। ये है हमारा, ये है बी एम भाई, जो पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, उनकी बहुत सारी है। और फिर यहाँ से आपको एक वो गेट दिख रहा होगा, डोंट गेट कन्फ्यूज, ये है मरकल गेट। प्रैक्टिकल था? अरे 2-3 क्लास थी, उसके बाद प्रैक्टिकल था। गाइस ये टंकी जो है हमारी, वो थोड़ी पानी सही नहीं आ रहा था, उस हिसाब से हम साफ कर रहे थे। और गौतम पहली बार आपको दिख रहे होंगे व्लॉग में। गौतम लास्ट टाइम बर्थडे में दिखा था, क्या कहना है? कुछ नहीं कहना भाई। भाई कह दिया कर यार, कंटेंट कौन देगा? कंटेंट बनाएंगे ना, तो इसके लिए तैयार और करेंगे क्या आपने? और ये पकड़ो बुद्ध और मनी से पकड़ो बुद्ध आकर डायरेक्ट मैं पानी गिराने का काम। गाइस ये टंकी है, दो रहे ये अंदर क्या से निकला। मनीष एक बार बोलते प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।